अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, मैं हमज़ा बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि आप जो आखिर-ओ-ज़मां के हवाले से बातें करते हैं कि ये सारी बातें जो चलें ठीक है, कोई बात समझ लगती है, लेकिन एक कुछ यानी कि अंदाज़ा होता है कि आप यानी कि आप हज़रत ईसा के बारे में बात करते हैं कि उनके साथ तो खाली 500 मुसलमान रह जाएंगे, तो इससे अंदाज़ा तो होता है कि हमारे पास तो खाली 20 से 25 साल रह गए हैं। जबकि इंडिया के मुफ्ती शहीद हैं, वो तो कहते हैं कि हज़रत ईसा के बाद भी पता नहीं 120 साल, और वो किसी हदीस का हवाला भी देते हैं कि वो 120 साल तक वो के दुनिया चलेगी, मुसलमानों की शायद हुकूमत होगी। तो आपके वो तो आप तो मुफ्ती भी नहीं है, लेकिन वो तो माशाल्लाह मुफ्ती हैं, उनकी बात भी अथेंटिक अहदीस से हवाला देते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु हमज़ा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखें, जिन मुफ्ती साहब की आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने कभी सुना नहीं उनको, लेकिन मैं आपके सामने कुछ अहादीस रवायात रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामला क्या है। ये हदीस शरीफ है मेरे सामने, सुनन अबू दाऊद की यह हदीस है और सही हदीस है, इसकी सनद सही है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है और वो उतरने वाले हैं। जब तुम उन्हें देखोगे तो पहचान जाओगे कि दरमियानी कदो कामत वाले हैं और रंग इनका सुर्खो सफ़ेद है, बल्कि हल्के जर्द रंग के लिबास में होंगे। ऐसे महसूस होगा जैसे उनके सर से पानी टपक रहा, हालांकि नमी या पानी नहीं होगी, यानी इंतहाई लतीफ़ और चमकदार और ख़ूबसूरत उनके बाल होंगे, इस वजह से वो चमकदार लग रहे होंगे। वो लोगों से इस्लाम के लिए किताल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब दीनों को ख़त्म फरमा देगा। वो मसीहुद्दज्जाल को हलाक करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल तक रहेंगे, फिर इनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे। अबू दाऊद की हदीस नंबर 4324 है कि आखिरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल तक रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी, मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे। नोट करें। अब आप अगली रवायत सुने। यह है हदीस शरीफ मिश्कातुल मसाबी की हदीस नंबर 5520 और इसकी सनद भी सही है। ठीक, अब इसमें ये तवील हदीस है, इसमें सारा मामला समझाया गया है कि दज्जाल निकलेगा, 40 साल तक क़याम करेगा, दज्जाल क्या क्या करेगा, रिज़्क़ कैसे देगा, कैसे रोकेगा, नऊज़ु बिल्लाह, जितने उसके शोबे हैं वो सारा कुछ बताया गया है। अब अगली बात इसमें देखें, अगली बात इसमें यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, इस हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और इसमें मैं कुछ पार्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि दज्जाल ज़मीन में 40 तक रहेगा, और फिर वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि 40 दिन या 40 माह या 40 साल, दूसरी रवायत से हमें पता चलता है कि 40 दिन तक रहेगा। फिर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा, गोया के वो उरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, वो एक सहाबी थे हज़रत उरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह दिखेंगे। वो दज्जाल को तलाश करेंगे, उसे कत्ल कर देंगे, फिर वो लोगों के दरमियान 7 साल तक रहेंगे। कितने अर्से तक रहेंगे? 7 साल तक रहेंगे। फिर इसके अंदर और बताया गया है कि उनके दौर के हालात कैसे होंगे, हम उसमें नहीं जाते, हम अगली बात में आते हैं कि फिर क्या होगा। फिर अल्लाह
बल्कि एक ही बातें पढ़ लेते हैं कि वो लोगों के दरमियान 7 साल तक रहेंगे, किसी दो के दरमियान कोई अदावत नहीं होगी, सब मुसलमान भाईचारे से रहेंगे। फिर अल्लाह शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजेगा तो वो रूए ज़मीन पर मौजूद उन तमाम लोगों की रूह कब्ज़ कर लेगी जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान या खैर होगी। हत्ता कि अगर तुम में से कोई पहाड़ के अंदर भी घुस जाएगा तो वो वहाँ पहुँच कर भी उसे दबोच लेगी। ठीक है जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान कितने अरसे तक रहेंगे? 7 साल तक रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा, खुशबूदार हवा भेजेगा जो तमाम मुसलमानों को उनकी रूह कब्ज़ कर लेगी। अब ये देखें जी, हदीस है कौन सी? सही हदीस है मिशकातुल मसाबी की 5520। अब हमने जो पहली हदीस पढ़ी है उसमें 40 साल का ज़िक्र है कि वो 40 साल तक रहेंगे, इसमें ज़िक्र है 7 साल का, लेकिन दोनों में एक ही बात है कि एक हवा चलेगी, खुशबूदार हवा चलेगी, एक नरम हवा चलेगी, कोई बीमारी, कोई वबा, कोई इस तरह की खुशबूदार चीज़ होगी कि वो जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, वफात पा जाएगा, अल्लाह के हुजूर मुलाकात को पहुंच जाएगा। और इन्हीं दोनों में ये बात भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक में है 40 साल तक रहेंगे, दूसरी में है 7 साल तक रहेंगे, उसके बाद वफात पा जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोनों अहादीस सही हैं तो इसमें से आंसर कैसे मिलेगा कि 40 साल तक रहेंगे या 7 साल तक रहेंगे? दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठाया गया तो उनकी उम्र 33 साल के लगभग थी। अब जब वो ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाएंगे तो कितने साल के होंगे? कई हज़ार 33 साल के नहीं होंगे, वो 33 साल के ही होंगे, क्योंकि आसमान पर इस दुनिया के निज़ाम से बाहर इंसानों की उम्रें नहीं बढ़ती। ये वक्त का निज़ाम, निज़ाम शमसी, ये सारा इसी ज़मीन के ऊपर है, आसमानों का ये निज़ाम नहीं है। यानी कि वो जब आएंगे तो 33 साल के ही होंगे। अब अगर वो ज़मीन पर 7 साल तक रहें तो कितनी उनकी उम्र होगी टोटल? 40 साल। तो अब ये जो पहली रवायत है इससे हमें ये पता चलता है कि जो 40 साल तक वो ज़मीन पर रहेंगे, यानी कि वो 33 साल उनकी पहली उम्र और 7 साल, ये टोटल वो ज़मीन पर 40 साल रहेंगे। और ये जो दूसरी रवायत हमने पढ़ी है मिशकातुल मसाबी की, उसमें लिखा हुआ है 7 साल, यानी कि 33 साल वो पहले गुजार चुके हैं, अब बाकी वो 7 साल रहेंगे। ठीक, दोनों के बाद क्या लिखा हुआ है कि एक खुशबूदार हवा चलेगी और वो वफात पा जाएंगे, मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे। और यही बात जो है मसनद अहमद की हदीस नंबर 13016 में भी है, और ये भी सही हदीस है, ज़ईफ़ मरफू, कोई गरीब हदीस नहीं है। ये सारी हदीस मैं आपको सही सुना रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल क़याम करने के बाद वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज़ा जनाजा पढ़ेंगे, और एक और रवायत में है कि उनको दफन कर देंगे। सही रवायात पर। ठीक, यानी 7 साल के बाद वो खुशबूदार हवा चल जाएगी जिसके बाद मुसलमान सारे के सारे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब लोग वफात पहुँचे। उसके बाद ज़मीन के ऊपर सिर्फ इन्हीं रवायात में है, तफसील में जाए बगैर मैं आपको मुख्तसर मफहूम बता रहा हूँ कि उसके बाद ज़मीन में सिर्फ 72 लोग रह जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गधों की तरह औरतों के साथ मामलात करेंगे, बिल्कुल बेहया और बेशरम होंगे। तो इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल ज़मीन पर रहेंगे, उसके बाद खुशबूदार हवा चलेगी और तमाम मुसलमान फ़ौत हो जाएंगे। 120 साल वाली जो बात आपने की है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी रवायत, अगर वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो हो सकता है वो हो, लेकिन वो मुसलमान उम्मत की नहीं रहेगी, क्योंकि मुसलमान उम्मत की हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1500 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से वाज़े हो जाता है कि इसकी उम्मत की उम्र मैक्सिमम 1500 साल के लगभग हो सकती है, जिसमें से 1440 से क्रॉस कर चुके हैं हम, 1443 में आ चुके हैं, तो यही कोई 57-55 यही मैक्सिमम 60 के लगभग साल रहते हैं। तो 120 साल इस उम्मत की उम्र नहीं हो सकती, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं कि इस उम्मत की उम्र जो है वो इसी के अंदर कंक्लूड हो जाएगी, अगले 19 से 20 मैक्सिमम 25 सालों के अंदर, ये हम कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं। तो उसके बाद यानी कि 120 साल का अगर उन्होंने कहा है ना, तो वो बाद में जितना मर्ज़ी रहे 120 हो या ज़्यादा हो, अगर किसी रवायात में है तो वो ये हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया 120 साल तक चलती रहेगी, वो बेशक चलती रहे, इस उम्मत का उम्र जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी तो 72 लोगों ने रहना है ज़मीन के ऊपर,
और उन्हीं लोगों के ऊपर क़यामत कायम होगी। हदीस से ये बात हमें बिल्कुल वाज़ेह पता चलती है। तो ये हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शायद दुनिया की उम्र जो 120 साल हो, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वलमुस्लिमात वलमुमिनीना वलमुमिनात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिन फितनतिल मसीहिद्दज्जाल।